माननीय प्रधानमंत्री जी, गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी का मैं वहाँ पे जो एक बर्निंग इशू था उसको उन्होंने अभी एड्रेस किया है, जिसमें उन्होंने अनाउंस किया है कि 5 डिस्ट्रिक्टों में आभार व्यक्त करता हूँ कि वहाँ पे जो एक बर्निंग इशू था उसको उन्होंने अभी एड्रेस किया है, जिसमें उन्होंने अनाउंस किया है कि 5 डिस्ट्रिक्टों में जो वहाँ पे कश्मीरी विस्थापित पीएम पैकेज में गए हैं और जा रहे हैं, तो उनके लिए वहाँ पे कुछ क्वार्टर्स बनाए जाएंगे। तो मैं इसी सिलसिले में कश्मीर में 7 दिन के दौरे पर गया हुआ था और मैं अलग अलग जगहों पर गया जहाँ पे हमारे कश्मीरी विस्थापित पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ रह रहे हैं। तो उनकी हालत देख के मुझे बड़ी विडम्बना हुई, बड़ा दुख हुआ, बड़ा दर्द हुआ कि जिन परिस्थितियों में वो 90 में जब पलायन करके आए थे और जम्मू में अलग अलग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में रह रहे थे, आज उनकी परिस्थिति 31 साल में वही है जो 31 साल पहले जम्मू में थी। तो मैं दोबारा एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी और मनोज सिन्हा जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अनाउंस किया है कि इनके 5 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी क्वार्टर बनाए जाएंगे और वहाँ पे इनको रिहैबिलिटेट किया जाएगा। तो इसके अलावा मैं कुछ लोगों से इंटरेक्ट करके आया जो वहाँ पे श्रीनगर सिटी में रह रहे हैं, वो वहाँ पे किराए के मकानों में रह रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो उस पर भी माननीय गवर्नर साहब से मेरा अनुरोध है कि उनके लिए भी कुछ सोचा जाए। आपने जो 5 डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी फाइनल किए हैं, अनाउंस किए हैं, उसके अलावा जो कश्मीर में प्रॉपर श्रीनगर में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी रिहैबिलिटेशन के लिए कुछ आसपास के इलाके में उनके लिए भी क्वार्टर बनाए जाएं। और दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है जो मैं आज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, वो है कि जो भी ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वहां पे बुलाए जाते हैं तो उनसे एक बॉन्ड जम्मू में साइन कराया जाता है। उस बॉन्ड में सबसे पहले जो कंडीशंस डाली जाती हैं कि आपको 40% आपको सैलरी मिलेगी, 2 साल का आपको वहां पे प्रोबेशन देना पड़ेगा। इनके साथ में ऐसा व्यवहार क्यों किया जाए?